आज हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, निकलेंगे बस 15-20 मिनट में। A few inches later, as if thund was not enough. बारिश हल्की सी कम होने के बाद हमने डिसाइड किया कि गोरखनाथ मंदिर चलते हैं। हम पहुंचे गोरखनाथ मंदिर में, बाहर माहौल कुछ ऐसा था, हल्की बारिश भी हुई थी और थोड़ी ठंड भी थी। पार्किंग उधर था, एंट्रेंस यहाँ से है। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर के अंदर गए। बारिश होने की वजह से फ्लोर पे पूरा पानी था, यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी दिख रहा था। अंदर साफ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था क्योंकि बारिश भी थी और ठंड भी थी हल्की, उसकी वजह से वेदर भी बड़ा प्लेजेंट था। अंदर से रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। फिर हम बाहर निकले तो यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि की मूर्तियाँ थी। दूसरे साइड में हमें फिर ये मंदिर दिखी तो हम इसके अंदर गए। यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी, स्कूल से भी बच्चे आए थे यहाँ विजिट करने के लिए। फिर हम बाहर निकले। गोरखपुर से रिलेटेड एक चीज़ जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था वो यहाँ का वेदर। आसमान इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब ऐसे आँख से भी देखने में और वीडियो में भी। आज का वेदर भी इतना अच्छा है ना, हल्का क्लाउडी है, उसकी वजह से फोटोज वीडियोज बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ गया है मेला पूरा, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। गोरखनाथ मंदिर से निकल के हमने डिसाइड किया नौका विहार चलते हैं, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है गोरखपुर में। बिजली भी कड़क रही है, नहीं बारिश हो रही है। अब हम लोग आया सेल्फी पॉइंट पे और यार ये जगह तो कितने पवई की याद आ रही है। जुहू पे, जुहू बीच पे Tomorrow. Good morning भाई लोग, आज है दूसरा दिन गोरखपुर में। कल रात को हम लोग लौटे घर 12:30 बजे, 1:30 बजे तक सो गए, नींद खुली 9 बजे, अभी बज रहा है सुबह का 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। हम लोग निकल रहे हैं, दिन का बज रहा है 12:55, मतलब ऑलमोस्ट 1। इधर मैदान है पूरा, ये तो मैंने आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में भी दिखाया था, मस्त एरिया है पूरा, खाली खाली एकदम। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक रिलेटिव है उन लोगों के घर पे, वहाँ से निकल के फिर जाएंगे नौका विहार, जहाँ कल रात हुए थे। लेकिन रात को क्या है ना, लाइट कम हो जाता है तो वीडियो भी उतना अच्छे से नहीं आता है, और देखने में तो अच्छा लग ही रहा था लेकिन दिन में वीडियो भी अच्छा बनेगा। क्या नाम है तुम्हारा? ये मम्मी जी है, पापा जी है, मम्मी जी है तो देख रहे हो, घर में जाते ही मुझे दिखाई दिया ये मीट टोबो। यार ये इतना क्यूट था ना, आर्य आर्यन देख के एक्साइटेड होंगे इसको। अरे उठा, दिन में क्या है ना, फोटो वीडियो बहुत अच्छा आता है क्योंकि दिखता है ना साफ साफ। ये जो सामने क्रूज है, शिप है, तो यहाँ पे आप आके कोई कुछ सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, योर विश। और यार अभी मैं पिछले 3 घंटे से एक व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, अभी भी 81% हुआ है अपलोड। अभी भी मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा अपलोड होने में।
हाँ गोरखपुर का वर्ली सी फेस और बांद्रा बैंड स्टैंड। ये लाइन से फूड कोर्ट है इधर। फूड कोर्ट देख के हम रुके और यार यहाँ लाइन से इतने सारे कैफेज रेस्टोरेंट्स थे ना कि एक पर कंफ्यूजन भी हो रहा था कि किस में जाएं क्योंकि सभी देख के इतना अच्छा लग रहा था। फाइनली हम गए इडन कैफे में और यार अंदर से इसका इंटीरियर देखो, इट वाज टू गुड। क्या अलग ही फील था इस रेस्टोरेंट का। अंदर से डिजाइन इतना गजब का है ना, किचन गार्डन बाय सुसाइड जो जुहू में एकदम वैसा आर्किटेक्चर है, यूरोपियन थीम बेस्ड है। पार्किंग की भी यहाँ पूरी जगह है। ऊपर ज़ुकीनी डाला हुआ है। फिर हमने कॉफी ट्राई किया और एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि जितना भी हमने जो कुछ भी हमने ऑर्डर किया सब क्वालिटी में A1 था। मम्मी ने भी कॉफी ट्राई किया, ऑल्दो मम्मी को कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। और एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल थी और गेम्स भी थे, इन केस यू वांट टू प्ले मोनोपोली और बाकी गेम्स वो भी आप खेल सकते हो। अच्छा था एक्सपीरियंस। बाहर जैसे हम निकले बारात जाती हुई दिख रही थी। और ये है मैरियट कोर्टयार्ड। फिर हमने डिसाइड किया चलते हैं जूडियो। अभी हम आए हैं जूडियो कुछ कपड़े लेने। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। इसका USP इसका कलर है, कलर कोई और होता तो इतना मज़ा नहीं आता, मुझे कलर इसका बेस्ट लगा। साइज लेकिन एक साइज बड़ा मिल जाता तो सही रहता। 42 सही हो रहा है। यहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है बाकी स्टोर से। स्टोर बंद होने वाला है। ये दोनों टी शर्ट मुझे पसंद नहीं आया और ये ट्राई करने का टाइम नहीं है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।